सो गुड स्टूडेंट्स आज हम जो न्यूमेरिकल देखेंगे वो कौन से टाइप में रहेंगे जब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या रखा है हमने ग्राउंड पे रखा है लाइन ऑफ साइट हमारी क्या है इंक्लाइंट है और स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल तो ये जो क्या है हमारा केस नंबर टू है दैट इज लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंट यानी हम इनक्लाइंट तो कोई एंगल पे देख रहे हैं और जो हमारा स्टाफ हेल्ड है वो क्या है वर्टिकल है अब जब हम ये टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे देखो ये जो सेंट्रल लाइन आपको दिख रही होंगी डॉटेड दिट दिस नथिंग बट द लाइन ऑफ रेफरेंस ये क्या है लाइन ऑफ रेफरेंस है जो भी अब हम लेंगे, ये से हम लेने वाले ठीक है अब यहाँ पर कैसा देखो आपको दिख रहा हूँ वी टू या वी वन की वैल्यू क्या रहेंगी हमारी जो रेफरेंस लाइन है वहां से लेके सेंट्रल हेयर रीडिंग ये तीन क्या है सेंट्रल हेयर रीडिंग है तो सेंट्रल रेफरेंस लाइन से लेकर सेंट्रल हेयर रीडिंग तक की जो रीडिंग रहेंगी दैट विल बी वी टू और ये एच वन कहाँ से कहाँ तक रहेगा सेंट्रल हेयर रीडिंग से लेके हमारा ग्राउंड लेवल तक एच वन रहेगा ठीक है सिमिलरली यहाँ पे क्या रहेगा वी वन क्या रहेगा जो हमारी ये है रेफरेंस लाइन है वहाँ से लेके सेंट्रल हेयर तक की रीडिंग दैट इज़ वी वन और एच वन क्या रहेगा सेंट्रल हेयर रीडिंग से लेके ग्राउंड तक का डिस्टेंस अब हमको देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या दिया है और टैकोमीटर वो सेटअप एट स्टेशन पी टैकोमीटर क्या किया हमने रखा गया है एक पी स्टेशन पे एंड फॉलोइंग रीडिंग्स वर ऑप्टेंट यानी हमने स्टेशन पर रखा इसको हमारे इंस्ट्रूमेंट को और हमको फॉलोइंग रीडिंग्स मिली यानी हमने क्या किया वर्टिकल दो हेल्ड स्टाफ रखे और हमने इनक्लाइंट उनको देखा और उनको इंटरसेप्ट किया तो ये रीडिंग्स हमको मिली क्या मिली पी पर पी स्टेशन पर था ये एक हमको स्टेशन वैल्यू क्या है एक बेंच की दिया गया है और एक क्यू है दो तरफ हमारा स्टाफ रखा गया है एक बेंच मार्क पे रखा गया और एक क्यू पे रखा गया है वर्टिकल एंगल कितने के देखे हमने पहला है माइनस फोर डिग्री ट्वेंटी टू रेडियन माइनस का मतलब क्या होगा कि रेफरेंस लाइन के नीचे जो भी है आएंगे एंगल दैट इज माइनस और रेफरेंस लाइन यानी ये डॉटेड लाइन के ऊपर जो एंगल जाएंगे दैट इज पॉजिटिव अब हमको क्या बोला है कॉन्स्टेंट दिया गया है दैट आर हंड्रेड एंड पॉइंट वन हंड्रेड एंड पॉइंट याने f/i की वैल्यू कितनी होंगी 100 होंगी और f+d की वैल्यू होंगी 0.1 अब क्या बोला है डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस pq यानी p से लेके q तक का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है एंड आल्सो कैलकुलेट rl ऑफ पॉइंट q q कौन से पॉइंट पे rl rl दैट इज अ रिड्यूस्ड लेवल मतलब मीन से लेवल पे वो कितने हाइट पे है ठीक है सो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे फॉर्मूला देखेंगे हमको हॉर्जोंटल डिस्टेंस निकालना है हॉर्जोंटल डिस्टेंस निकालना है और हमारा लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंट है और स्टाफ हेल्ड वर्टिकल है तो डी का फार्मूला क्या था हमारे पास में डी इज इक्वल्स टू एफ बाय आई इंटू एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ प्लस डी कॉस थीटा ये था हमारे पास फॉर्मूला जब हमको क्या निकालना था हॉर्जोंटल डिस्टेंस निकालना है जब लाइन ऑफ साइट इनक्लाइंट है और स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल फॉर्मूला क्या था एफ बाई आई इंटू एस कॉस्क्वेर थीटा प्लस एफ प्लस डी कॉस थीटा अब भी हमको निकालना है एफ बाई आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में हंड्रेड है एफ बाई आई की वैल्यू हमारे पास हंड्रेड है इंटू एस एस इज नथिंग बट द स्टाफ इंटरसेप्ट अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग यानी कैसा लिखेंगे वन पॉइंट फाइव सिक्स जीरो माइनस वन पॉइंट ज़ीरो फाइव जीरो कभी भी रीडिंग्स में कंफ्यूज नहीं होना है बड़ी रीडिंग में से छोटी रीडिंग को हम माइनस करेंगे ठीक है कभी भी ये ध्यान में रखना है कि जो भी बड़ी रीडिंग रहेंगी उसमें से हम छोटे को माइनस करेंगे सेंट्रल को हम कंसिडर नहीं करेंगे एफ बाई आई हंड्रेड था एस का हमने लिख लिया इन टू कॉस स्क्वेयर थीटा कितना हो गया अब हम इसके लिए निकाल रहे हैं तो थीटा कितना हो जाएगा टेन डिग्री ट्वेंटी रेडियन जो साइड के लिए हमको निकाल रहे हैं हम वहाँ उसका हम क्या लेंगे थीटा ले लेंगे प्लस एफ प्लस डी की वैल्यू क्या है पॉइंट वन कॉस थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा टेन डिग्री ट्वेंटी रेडियन तो देअर टोटल डी हमको कितना मिल जाएगा द वैल्यू ऑफ डी विल बी इक्वल्स टू 20.04 मीटर ठीक है हम इसको कैल्सियम पुट करेंगे तो हमको इतनी वैल्यू मिल जाएंगी दिस इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पी से क्यू तक का तो देरफॉर लिख सकते हैं देर फॉर हॉरिजोंटल देर फॉर हॉरिजोंटल डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वेंटी पॉइंट जीरो फोर मीटर पहली चीज़ हमने निकाल ली है अब दूसरा हमको क्या बोला है वी हैव टू फाइंड आर एल ऑफ पॉइंट क्यू आर एल ऑफ़ पॉइंट क्यू मतलब इसका रेड्यूस्ड लेवल हमको निकालना है अब ये कैसा करेंगे हम देखो कैसा करेंगे यहाँ से जाएंगे ठीक है हमको क्योंकि बेंच मार्क की वैल्यू दी गई है कि बेंच मार्क और ऑफ ये दिस इज कितना 500 मीटर ये पॉइंट का हमको हाइट दिया है 500 मीटर तो क्या करेंगे बेंचमार्क है उसको ऐड करेंगे h1 प्लस ऐड करेंगे v1 आ जाएंगे हम रेफरेंस लाइन पे, फिर रेफरेंस लाइन से हम क्या आ जाएंगे ऊपर जा रहा है वी टू तो क्या बोल देंगे प्लस वी टू और एच टू नीचे आ रहा है तो माइनस एच टू ठीक है अब इसको देखो हम कैसा कैलकुलेट करेंगे अब यहाँ पर हमको क्या वैल्यू किसकी निकालना पड़ेगा वी वन की निकालना पड़ेगा की निकालना और वी टू की अब वी वन की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला है वर्टिकल डिस्टेंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस जब हमको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है V इज़ इक्वल्स टू एफ बाई आई इन टू एस साइन टू थीटा बाई टू प्लस एफ प्लस डी कॉस थीटा ठीक है ये फॉर्मूला है हमारे पास ये V1 के लिए हो जाएगा और सिमिलरली हमको V2 के लिए भी क्यों क्योंकि हमको V1 की वैल्यू भी निकालना और V2 की भी निकालना तो दरफ V2 कितना हो जाएगा हमारे पास में एफ़ By आई इंटू एस इंटू साइन टू थीटा प्लस एफ प्लस डी cos थीटा ठीक है अब ये हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू के लिए और ये हो जाएगा सेकेंड तो देर फॉर वी वन विल to इक्वल्स टू एफ बाई आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास में हंड्रेड है इंटू एस एस क्या है स्टाफ इंटरसेप्ट पहले ये पोर्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा वन पॉइंट फाइव सिक्स जीरो माइनस वन पॉइंट ज़ीरो फाइव ज़ीरो अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग करेंगे इंटू साइन टू इंटू थीटा ये थीटा कितना है फोर डिग्री ट्वेंटी टू रेडियन अपॉन टू ये आ गया प्लस एफ प्लस डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में पॉइंट वन इन टू कॉस थीटा कितना हो जाएगा फोर डिग्री ट्वेंटी टू रेडियन तो देरफोर वी वन की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में हम जब वी कैल्कुलेट करेंगे इट विल बी अराउंड जीरो पॉइंट एट वन ज़ीरो पॉइंट एट वन टू एट मीटर ये हो जाएंगे हमारे पास में वी वन की वैल्यू अब सिमिलरली हम क्या किसके लिए जाएंगे वी टू के लिए जाएंगे अब वी टू के लिए क्या है एफ बाई आई की वैल्यू कितनी है हंड्रेड है इन टू अब इसका स्टाफ इंटरसेप्ट क्या रहेगा अपर रीडिंग माइनस लोअर दैट इज़ वन पॉइंट वन फाइव एट माइनस ज़ीरो पॉइंट नाइन फाइव टू ये अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग हमने लिए है इन टू साइन इंटू टू थीटा की वैल्यू कितनी है दिस इज टेन डिग्री ट्वेंटी रेडियन अपॉन टू यह आ गया प्लस प्लस एफ प्लस डी कितना है पॉइंट वन है इंटू कॉस थीटा कॉस इंटू थीटा की वैल्यू है टेन डिग्री ट्वेंटी रेडियन तो डेर फॉर यहाँ से हमको वीटो की भी वैल्यू मिल जाएंगी ये कितनी आ जाएंगी हमारे पास थ्री पॉइंट सिक्स फोर फोर मीटर अब हमको वी वन की भी मिल गई है वी टू की भी मिल गई है तब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आर एल ऑफ़ पॉइंट क्यू तो बोलेंगे देर फॉर फॉर कैलकुलेशन देर फॉर फॉर कैलकुलेशन ऑफ आर एल ऑफ पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा? बेंचमार्क को ऐड करेंगे प्लस बेंचमार्क को ऐड करें प्लस क्या हो जाएगा एच वन हो जाएगा प्लस वी वन हो जाएगा यहाँ तक पहुँच गए हम फिर ये रेफरेंस लाइन से यहाँ तक आएंगे तो वी टू क्या हो जाएगा ऊपर प्लस वी टू माइनस एच टू ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस एच टू ठीक है तो देरफोर क्या हो जाएगा बेंच मार्क की वैल्यू है फाइव हंड्रेड प्लस एच वन की वैल्यू कितनी होगी हमारी एच वन की वैल्यू है ना हम सेंट्रल रीडिंग लेंगे दैट इज़ वन पॉइंट वन जीरो थ्री प्लस वी वन की वैल्यू कैलकुलेट किए जीरो पॉइंट एट वन टू एट प्लस वी वन की वैल्यू कितनी आ गई सॉरी प्लस वी टू की वैल्यू कितनी आ गई हमने भी कैलकुलेट किया थ्री पॉइंट सिक्स फोर फोर माइनस अब एच वन की वैल्यू क्या आ जाएंगी इसकी सेंट्रल रीडिंग वन पॉइंट जीरो फाइव एट वन पॉइंट जीरो फाइव एट तो देर फॉर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी फाइव ज़ीरो फोर पॉइंट फाइव ज़ीरो मीटर दिस इज द आर एल वैल्यू ठीक है यानी ये इतनी हाइट पर है मीन सी लेवल पे इतनी हाइट पे क्या रहेगा हमारा क्यू डिस्टेंस रहने वाला है ठीक है